बिल्कुल इसी तरह समझ लीजिए, एक बात याद आई है। हुजूर फरमाते हैं कि जिस तरह कान लगाकर अल्लाह कुरान को सुनता है, किसी चीज को नहीं सुनता। हमें नजर नहीं आता ना, हमें मालूम नहीं है। हम कुरान पढ़ रहे हो तो सुनने वाला कौन है? सबसे ज्यादा कान लगाकर खुद अल्लाह। यहां इसलिए मुझे याद आया कि अबू मूसा अशअरी को क्या पता था कि कौन सुन रहा है। वो अपनी कैफियत में नमाज में तहज्जुद में कुरान की तिलावत कर रहे थे, और जाहिर बात है उनके घर एकड़ों में बने हुए नहीं थे, एक एक कमरा एक एक कोई हुजरा, ऐसे तो घर थे ना साहबा के। लिहाजा हुजूर पास से गुजरे, आवाज आई, काफी देर सुनते रहे। उसके बाद आप तशरीफ ले गए, सुबह फजर में मुलाकात हुई तो हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया, या अबा मूसा इन्नका कद उतीत मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद। ए अबू मूसा, तुम्हें तो आले दाऊद के साजों में से एक साज अल्लाह ने अता फरमा दिया है। जिस तरह हजरत दाऊद लहने दाऊदी मशहूर है कि जब वो पिछले पहर रात को हम्द के तराने अलापते थे, कुरान में है कि परिंदे शामिल हो जाते थे साथ और पहाड़ वजद में आते थे, पहाड़ भी उनके साथ शरीक होते थे। तो जिस तरह का अल्लाह ने उनको लहन अता फरमाया था, हुजूर ने तहसीन के अंदाज में फरमाया है, अबू मूसा अशअरी अल्लाह ने तुम्हें भी आले दाऊद के साजों में से एक साज अता फरमाया। बहरहाल कुरान मजीद का जो ये म्यूजिक है, कुरान के अल्फाज का जो हुस्न है, जहां तक हुस्न मानवी है वो तो हर हर लफ्ज में है, लेकिन ये हुस्न जाहिरी, हुस्न सौती, हुस्न लफ्जी, ये अपने क्लाइमेक्स पर आपको नजर आएगा सूरह रहमान में। लेकिन कुरान में यह सूरत इस एतबार से भी मुमताज है, इसकी चार आयात पर जरा तवज्जो करेंगे, अजीब हकायक सामने आएंगे। जहां ये कुरान मजीद के हुस्न सौत और हुस्न लफ्जी का की मेराज है, वहीं इसकी पहली चार आयात में चार चोटी की चीजों का जिक्र है, सबसे ऊंची चीजें। पहली आयत क्या है? अर्रहमान। एक आयत हो गई, रहमान क्या है? अल्लाह का नाम है। कभी आपने गौर किया अल्लाह के नामों में सबसे प्यारा नाम कौन सा होगा? रहमान। क्यों? इसका मादा क्या है? रहमत। हमें सबसे बढ़कर जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? रहमत है, खुदाबंदी। नाम अच्छी तरह सुन लीजिए इस हुजूर के कौल को। हुजूर फरमाते हैं, कोई शख्स जन्नत में मुजर्रद अपने अमल की बुनियाद पर दाखिल नहीं हो सकेगा जब तक कि रहमत खुदाबंदी दस्तगीरी न करे। किसी सहाबी ने बड़ी हिम्मत और जुरत का सबूत दिया कि पूछ लिया, क्या हुजूर आप भी? जब आपने फरमाया कोई शख्स दाखिल नहीं हो सकता जन्नत में महज अपने अमल की बुनियाद पर जब तक कि रहमत खुदाबंदी जो है वो दस्तगीरी न फरमाए, पूछा गया क्या आप भी? आपने फरमाया हां मैं भी। आप अंदाजा कीजिए कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रहमत खुदाबंदी के जरूरतमंद हो तो ताबे दीगरा चे रसद, हमारी तो सबसे बड़ी जरूरत रहमत खुदाबंदी है। अब यह रहमत जो है कुरान मजीद में अल्लाह ताला की यह शान दो अल्फाज के जरिए से आती है, रहीम और रहमान। और कोई मादा नहीं है जिससे दो नाम बनते हो अल्लाह के, लेकिन यह मादा है वाहिद रहमत का कि जिससे रहमान भी है रहीम भी है। रहीम सिफत मुशब्बा है, रहमत दाइम हो जाएगी, मुस्तकिल होगी तो रहीम कहेंगे। और रहमान, इसमें रहमत की है वो शान है कि जैसे ठाठे मारता हुआ समंदर हो, हैजान की कैफियत, तूफानी कैफियत, रहमत खुदाबंदी का तूफानी जोश, वो है रहमान। आप तो रहते इस इलाके में है, आपको मालूम है अरब अगर भूखा मरा जा रहा हो तो क्या कहेगा? आना जुहान। प्यासा मरा जा रहा हो, आना अफशान। बहुत गजबनाक होगा गजबान, गजबान आसिफा कुरान में आया है, बहुत गजबनाक। रहमान जिसकी रहमत जो है जोश में है, ठाठे मारते हुए समंदर के मानिंद। तो ये अल्लाह ताला के नामों में सबसे प्यारा नाम। अब आगे चलिए, अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। रहमत खुदावंदी का सबसे बड़ा मजहर, रहमान की रहमानियत का सबसे बड़ा मजहब कुरान है। इनमें जो मंतकी रब्त है उसको समझते जाइए। अच्छा आप ये सोचिए, जो इल्म भी इंसान को हासिल हुआ वो किसने दिया? अल्लाह ने। साइंस का इल्म किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, वो इल्म अस्मा जो हजरत आदम को दे दिया गया था अजल में, ये उसी का जहूर है, ये उसी की एक्सफोलिएशन है जो हो रही है और होती रहेगी अभी। और दो और दूसरे इल्म है वो किसने दिए? अल्लाह ने दिए। ला यहीतुना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, मखलूक में से कोई अल्लाह के इल्म में से किसी शय का इहाता नहीं कर सकता मगर वो जितना अल्लाह देना चाहे।
लेकिन यह कि तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान। नोट करते जाइए, चोटी की चीजें जमा कीजिए। अल्लाह के नामों में चोटी का नाम रहमान, अल्लाह ने जो कुछ इंसान को सिखाया उसमें चोटी का इल्म कुरान। खलकल इंसान, इंसान को पैदा फरमाया। सवाल यह कि हैवानात को किसने पैदा फरमाया? आसमान किसने पैदा किए? जमीन किसने पैदा की? फरिश्ते किसने पैदा किए? क्या मतलब खलकल इंसान? उसकी तमाम मखलूकात में उसका क्लाइमेक्स, उसकी तखलीक की मेराज, उसके तखलीक का नुक्ता उरूज इंसान है। यह है कि जो मस्जूद मलाइक बना है, वलकद करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर व रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। तो तखलीक में सबसे ऊंची तखलीक इंसान की, इल्मों में सबसे ऊंचा इल्म कुरान का, अल्लाह के नामों में सबसे ऊंचा नाम रहमान। अब आइए चौथी चीज, अल्लमहुल बयान, इंसान को बयान की सलाहियत अता फरमाई। क्या और कोई सलाहियत अता नहीं की? बिनाई किसने दी? अल्लाह ने। इसी तरीके से समाअत किसने अता फरमाई? अल्लाह ने। कितनी फैकल्टीज हैं, कितने एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं सेंस के, कितने इंटरनल सेंसेस हैं जो अल्लाह ने दिए हैं। लेकिन यहां भी समझ लीजिए, जितनी फैकल्टीज हैं ह्यूमन फैकल्टीज, उनमें टॉप की फैकल्टी जो है वो स्पीच है, कलाम है, बयान है। जिन लोगों ने मेडिकल साइंस का मुताला किया है वो जानते हैं कि ये ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, इस ब्रेन में जो वो ऊपर एक जर्द सा मादा होता है, ग्रे मैटर, उसकी एक कोटिंग होती है, ये हाईएस्ट इवॉल्व फॉर्म है। और इसमें सबसे बड़ा रकबा जो है वो स्पीच सेंटर कहलाता है। इसीलिए इंसान को हैवान नातिक कहते हैं। हैवान के और इंसान के माबेन इम्तियाज कायम किया गया, नुत्क, गोयाई, बोलना। अब ये क्या चीज हुई? इंसान की सलाहियतों में से सबसे ऊंची सलाहियत, चार आयतें हो गई ना, अल्लाह के नामों में सबसे चोटी का नाम रहमान, उसने जो उलूम पैदा किए उनमें चोटी का इल्म कुरान, उसने जो मखलूकात पैदा फरमाई उनमें चोटी की मखलूक इंसान, इंसान को जो सलाहियत और इस्तेदाद अता फरमाई उनमें चोटी की इस्तेदाद बयान। जमा कीजिए, नतीजा क्या निकलेगा? वो नतीजा एक हदीस नबवी की शक्ल में सामने आता है। पहली हदीस मैंने यही पढ़ी थी, इसके रावी कौन है? उस्मान इब्ने अफ़ान। मैं हैरान होता हूं, वो काफिया यहां भी मौजूद है, रहमान, कुरान, बयान, इंसान, उस्मान, अफ़ान, बाप का नाम भी इसी वजन पर है, उस्मान इब्ने अफ़ान। अन उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उस्मान शहीद मज़लूम ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। कुव्वत बयान जो तुम्हारी टॉप फैकल्टी है, इसका इस्तेमाल किसी घटिया काम के लिए नहीं होना चाहिए। देखिए उर्दू में मुहावरा है कि तोप से मक्खी नहीं मारी जाती, तोप बनाई गई है किसी बड़ी शय के लिए, मक्खी मारने के लिए तोप इस्तेमाल नहीं होती। ये कुव्वत बयान जो है, जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है ह्यूमन, जो फैकल्टीज है उनमें से, इसका इस्तेमाल भी टॉप मोस्ट होना चाहिए। कुरान को बयान करो, वो जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, बल्कि गालिबन उनके कब्र पर आसपास जो अशार लिखे हुए उनमें से एक ये भी है, अगर यक कतरा खूंदारी अगर मुश्ते परेदारी बेआबामन तो आमोजम तरीके शाह बाजीरा, अगर तुम्हारे अंदर एक कतरा भी खून का है और मुट्ठी भर भी पर अगर अल्लाह ने दिए हैं तो है, मेरे पास आओ कि मैं तुम्हें शाहबाजी के तरीके सिखाऊं। इसी तरह जान लीजिए, अगर अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, अगर अल्लाह ने तुम्हें हैवान नातिक बनाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें यह सलाहियत अता फरमाई, इस सलाहियत का मसरफ दुनिया को ना बनाओ, इस सलाहियत का मसरफ अल्लाह के कलाम को फैलाने पर इसको सर्व करो। بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.